हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं IN24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, आदाब, मैं शाहबाज खान और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए, मजा लेते रहिए। गॉड ब्लेस यू। नागपुर जिंदाबाद। नागपुर हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोयला बिनने पटरियों पर गई उम्रदराज महिला की मालगाड़ी से कटकर दर्दनाक मौत, तमाशा देखते रहे कोतवाली के सिपाही। SI ने पटरियों से हटाया लाश। नक्सलियों की बौखलाहट फिर आई सामने। नारायणपुर में JCB और ट्रैक्टर समेत 6 गाड़ियों को किया आग के हवाले। और राफेल विवाद की चिंगारी कोरबा में भी आ रहा नजर। CP नगर में NSUI के नेताओं ने लगाए चौकीदार चोर है किनारे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को, पांचवें चरण का चुनाव 6 मई को, छठवें चरण का चुनाव 12 मई को और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 2019 चुनाव के लिए मतदाताओं की संख्या बढ़कर करीब 90 करोड़ हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी दिनों से की जा रही थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकें की गईं। SECL दीपका इलाके में CHP कंपनी के तहत काम कर रहे ठेका मजदूरों को हटाने और उनकी जगह पर नए मजदूरों को रखे जाने का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। बावजूद ना ही SECL के किसी अधिकारी ने उनके इस गुहार को सुनने की जहमत उठाई और ना ही इलाके के नेता उनकी तरफ देख रहे हैं। 3 दिन बीत जाने पर भी काम से निकाले गए करीब 34 मजदूर लगातार SECL कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। आपको बता दें कि पुराने ठेके के बदलते ही जैसे ही नए ठेकेदार ने काम शुरू किया, उसने तमाम कायदों और अनुबंधों को ताक पर रखते हुए वहां पहले से काम कर रहे 34 ठेका मजदूरों को काम से निकालकर उनकी जगह पर नए मजदूर को काम पर रख लिया है। जबकि इसी मुद्दे पर हुई बैठक में तहसीलदार ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि ठेका बदलने के बाद भी पुराने मजदूर काम पर रहेंगे, लेबर लोग वही रहेंगे और नया टेंडर होगा तो ठेकेदार भले चेंज होगा लेकिन लेबर वही रहेगा। और सेफ्टी की सुविधा नहीं दिया जाता सर, सेफ्टी की सुविधा का भी मांग किया गया था, उसका भी उसके लिए भी जवाब हाँ मिला था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। PFCF के भी मांग किए थे, उसके लिए भी बोला गया था लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया सर। चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल रहा हम लोग के प्लांट में सर। LPC के तहत वेतन दिया जाएगा बोले थे सर, अभी तक के नहीं दिया जा रहा है। ठेकेदार अपने मनमानी तरह से वेतन दिया जाता है सर, 200-250 में मजदूरी करवा रहे हैं। जो टेंडर हम लोग का दीपका SHP में भी टेंडर खत्म हुआ है, नया टेंडर आया है तो पुराना जो ठेकेदार था वो नया ठेकेदार को हम लोग को सौंपा है पूरा लेबर को, तो नया ठेकेदार बोल रहा है कि पुराना लेबर को हम लोग नहीं रखेंगे। और जबकि GM ऑफिस में 3 तारीख को मीटिंग था सर, मीटिंग में तहसीलदार भी आए थे और पूरा GM भी थे, पूरा सब सर लोग थे, तो उनके बीच में समझौता हुआ था कि पुराना लेबर वही रहेगा भले ठेकेदार चेंज होगा। लेकिन आज हम लोग विवश हो गए, हम लोग को जबरदस्ती विधायक जी के पास आना पड़ा है। विधायक जी को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, विधायक जी भी हम लोग के समर्थन में है, बोल रहे हैं कि मैं जाऊंगा GM ऑफिस और आप लोगों की समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन आज हम लोग के CHP में इतना भ्रष्टाचारी हो गया है कि कोई साल लोग हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। 3 दिन हो गए सर, 3 दिन हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर। जांजगीर चांपा में लगाए गए नेशनल लोक अदालत में 15 जोड़े पति पत्नी के पारिवारिक विवाद का निपटारा हुआ। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और इस तरह 15 जोड़ों ने नए दांपत्य जीवन की शुरुआत की। नेशनल लोक अदालत में आपसी मनमुटाव के चलते अलग थलग हुए 15 जोड़ों को समझाइश देकर आपसी राजीनामा कराया गया।
फैमिली कोर्ट के जज आनंद ध्रुव की समझाइश के बाद फिर से नए सिरे से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के समक्ष सभी जोड़ों ने एक दूसरे के गले में माला डालकर मुंह मीठा कराते हुए नए दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। उन्होंने सभी जोड़ों को नसीहत देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उन्हें फैमिली कोर्ट आना पड़े। वहीं एक हुए जोड़े ने भी उनकी समझाइश पर फिर विवाद नहीं करने की बात कही। बस ऐसे आपसे मनभेद था हम लोगों के बीच, लड़ाई झगड़ा हुए, इसके बाद मैं चली गई थी अपने मायके ढाई साल तक। जज साहब समझाए, मेरी वकील है लक्ष्मी यादू छत्राम यादव जी, सब माँ बाप की तरह समझाए कि शादी का टूट रिश्ता है, इसको दोनों साइड से गाड़ी पहिया जैसे है समझना चाहिए और आपसी में खो जाना चाहिए। बस उनको ये कहना है कि जो भी लड़ाई झगड़ा है आपस में मिलकर सुलह कर लेना चाहिए, इधर बाहर जहाँ तक आ सके अपने बीच में ही समझौता कर लेना चाहिए। अब पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा में हर साल से अलग अलग रहे, जज साहब समझा कर दोनों को एक कर दिया और दोनों का प्यार एक साथ चलेगी। धन्यवाद साहब जी। जांजगीर में जो नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई आज, उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत का जो उद्देश्य था वो आज पूरा हुआ है। आज लगभग 15 पति पत्नी जो अलग रह रहे थे वो फैमिली कोर्ट के जज साहब श्री आनंद ध्रुव साहब की समझाइश पर एक हो गए और आज यहाँ से वो अपने घर जा रहे हैं एक होकर। तो लगभग 15 जोड़े जो एक हो गए। निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये अल्टीमेटली डिसाइड किया कि वो एक साथ रहेंगे। भविष्य के जीवन के लिए उनकी शुभकामनाएं हैं मेरी, और उनसे मैं अपील या रिक्वेस्ट करूंगा कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे उनको फैमिली कोर्ट पुनः आना पड़े। राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत जांजगढ़ जिले के शक्ति नगर के 182 बूथ पर लगभग 22,500 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। शक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिलोक चंद जायसवाल ने पोलियो की दवा बच्चों को पिलाई। इस मौके पर त्रिलोक चंद जायसवाल ने कहा कि भारत को पोलियो से मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग संकल्पित है। उन्होंने अपील किया कि सभी बच्चों को पोलियो बूथ पर लाकर दवा पिलाए और इस बात का ख्याल रखे कि कोई बच्चा छूटने ना पाए। इस दौरान डॉक्टर अनिल चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी जनता का सहयोग भी मिल रहा है। ये जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को जो पोलियो पिलाया जा रहा है और बहुत सालों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिससे कि भारत पोलियो मुक्त हुआ है और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत मेहनत किया है। हम इनको बहुत बधाई देते हैं, इनका आभार व्यक्त करते हैं। इससे भारत देश पोलियो मुक्त हुआ है, बच्चों की स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी होगी। जांजगीर चांपा जिले के जय जयपुर विधानसभा के पत्रकारों का वर्षों पुराना पत्रकार भवन का सपना आज पूरा हुआ। आपको बता दें कि जय जयपुर के पत्रकारों ने जय जयपुर विधायक केशव चंद्रा से पत्रकार भवन बनाने की मांग की थी। पत्रकारों के बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए विधायक केशव चंद्रा ने अपने विधायक निधि से 3,75,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की और आज उनके द्वारा पत्रकारों के लिए जिले का पहला पत्रकार भवन का लोकार्पण किया गया। भवन लोकार्पण के मौके पर पत्रकारों एवं जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता काफी मुश्किलों भरा है। क्षेत्र की समस्याओं और कुरीतियों को अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने में पत्रकारों की अहम भूमिका है। इस भवन के साथ ही पत्रकारों का हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पत्रकार भवन के लोकार्पण पर जिले से पहुंचे पत्रकार डायमंड शुक्ला, राजकुमार साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिले सहित अन्य पत्रकार साथियों को विधायक केशव चंद्रा एवं जनप्रतिनिधियों ने साल व श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के लिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए या किसी तरह पत्रकारों को कहीं विचार विमर्श संगोष्ठी अगर कुछ भी करना है तो एक जगह की जरूरत पड़ती है, जो आज जयपुर में एक पत्रकार भवन के रूप में सभी पत्रकार साथियों को मिला है। और इसके लिए मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक जयपुर के विधायक श्री चंद्रा जी
के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने पत्रकारों के हित में एक बहुत बढ़िया बड़ा योगदान इनका रहा और एक जो है सामुदायिक पत्रकार भवन इनको जो है उपलब्ध कराया जिनका लोकार्पण होना है। इधर भी यहाँ देंगे, यहाँ शौचालय की सुविधा भी देंगे और भले हाल इतना बड़ा ही रहे लेकिन आप यहां एक बढ़िया कंप्यूटर रूम के रूप में उपयोग कर सके, आपके पत्रकार साथीगण या यहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष लोगों के लिए बैठने के लिए भी व्यवस्था हो, इनका भी हम विस्तार करवाएंगे। इस बात की मैं आपको जो है विश्वास दिलाता हूं। पटरियों के बीच ईंधन के लिए कोयला बिनना खतरनाक साबित हो रहा है। ताजा मामले में फिर एक महिला मालगाड़ी की चपेट में आ गई। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। यह वाकया ओवरब्रिज से चंद दूरी पर रविवार की सुबह 10 बजे घटित हुई है। पुलिस के मुताबिक मोती सागर पारा की रहने वाली अधेड़ महिला टेटकी बाई पटरियों से कोयला बिन कर अपना जीवन यापन करती थी। सुबह भी वह कोयला उठाने पहुंची हुई थी। तभी कुसमुंडा की तरफ से अप दिशा की पटरी पर आ रहे लोड मालगाड़ी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर तक महिला का शव छत विछत हालत में पटरियों पर ही पड़ा रहा, जिसके बाद इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया है। गौर करने वाली बात है कि कोयला बिनने के फेर में अक्सर इस तरह के हादसे में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। आज दिनांक 10/3/2019 को 9:30 बजे सनी पिता घुराव राम सहीस ने सूचना दिया कि इसकी माँ केकती उर्फ भैरव भाई अग्रसेन भवन के सामने रेलवे लाइन पर कोयला लेने गई थी। अचानक रेलगाड़ी के आने से केकती भाई कट जाने से उसकी मौत हो गई है, जिस पर पुलिस मर कायम कर विवेचना में लिया गया है। शव को PM के लिए रवाना किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप बने रहिए INN24 पर। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर पाम मॉल कोरबा, मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828633778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम, शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास, आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कपकेक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में चार चांद लगाए, ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड गोपाल पेट्रोल पंप के आगे कटघोरा, मोबाइल नंबर 8462825855। कोरबा के लोगों का खान पान से एक अलग ही रिश्ता है। वो जानते हैं कि खाने में क्या खाना है और खाने के बाद क्या खाना है, इसलिए तो हैवमोर लेकर आया है आपके शहर के जायके को पूरी तरह से बदलने ताजे इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश आइसक्रीम। जी हाँ, अब शहर के पहले शॉपिंग मॉल पाम मॉल में देश के सबसे बेहतरीन आइसक्रीम निर्माता हैवमोर की आइसक्रीम की अलग अलग वैरायटी, जहाँ आप ले सकेंगे लाइव आइसक्रीम का मजा। इसके अलावा आइसक्रीम स्कूप, हॉच पॉच, आइसक्रीम केक्स, मिल्कशेक और रेट्रो कोल्ड कॉफी और इसके अलावा बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही पूरे परिवार के साथ उठाइए आइसक्रीम के अलग ही दुनिया का मजा। हैव मोर आइसक्रीम, पॉम मॉल, शॉप नंबर 240, सेकंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, क्योंकि कोरबा जानता है खाने के बाद क्या खाना है। आपका जाना पहचाना नाम लिबास बुटीक, एक्सक्लूसिव ड्रेस मटेरियल, इंडो वेस्टर्न वियर,
वन पीस, डिजाइनर दुपट्टा, स्कर्ट टॉप, कुर्तीज, लेडीज वेयर एवं गर्ल्स वेयर की संपूर्ण श्रृंखला। पंजाब का पटियाला हो या जयपुरी लहंगा चोली, गुजरात की घाघरा चोली हो या आसाम की मशहूर मेखला सादुर अनारकली सूट, इन सब की भरपूर रेंज। अभी खरीदी करने पर पाएं 20% की भारी छूट एवं 5000 की खरीदी पर 500 का कूपन मुफ्त, और पाएं फेस्टिवल एवं शादी की खरीदी पर विशेष छूट। हमारा पता लिबास बुटीक, एसएस प्लाजा, कोरबा। मोबाइल नंबर 9755347222। एंटी नक्सल ऑपरेशन स्पेशल डीजी गिरधारी नायक शनिवार को बीजापुर के दौरे पर रहे। इस दौरान एक अहम बैठक एसपी ऑफिस बीजापुर में रखी गई थी, जिसमें मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम में मानव अधिकारों का ख्याल रखा जाएगा, इसमें साफ सुथरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और पुलिस जवानों पर गोली चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पत्रकारों से चर्चा करते हुए डीजी गिरधारी नायक ने साफ किया कि माओवादियों के सफाया के लिए चलाई जा रही मुहिम रुकेगी नहीं और रणनीति में हालात के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता है। नक्सलियों को मुख्य धारा में आने की अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी ओहदे में हो, समर्पण के बाद उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान मिलेगी, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। देखिए, जो नक्सल ऑपरेशंस चालू रहेगा 17, 18, 19 फरवरी तक जैसे चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी पहले बताया है सुरक्षा, विकास, जन भागीदारी, ये तीनों कैसे मिलते हुए आगे बढ़ेंगे उसके लिए प्रयास करेंगे। कानून के दायरे में कार्रवाई करेंगे। हमने अधिकारी कर्मचारी सब लोगों से बात किए हैं, मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेंगे और साथ में ये करेंगे कि जो भी नक्सली सरेंडर करना चाह रहे हैं उनको हम प्रोत्साहन देंगे और ये एश्योर करेंगे कि उनके खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगा, उनकी इज्जत के साथ रखेंगे अगर सरेंडर करना चाहें, ये हमारा कहना है। और ऑपरेशन ऐसा है सालों से चलते आ रहा है, ये चलते रहेगा। क्या ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, ये तो अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो जानकारी आपको देते रहेंगे। कुसमुंडा थाना के नरई बोध के रहने वाले सुनील कुमार यादव का अपने ही इलाके के अरुण यादव से पुराना विवाद था। शनिवार को सुनील कुसमुंडा के विकास नगर एटीएम में रकम निकालने गया था, जहां से घर लौटते समय भुट्टा चौक के पास उसे अरुण ने रोका। अरुण ने पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज करते हुए हाथ के कड़े से सुनील पर हमला कर घायल कर दिया। इस हमले में उसके सर पर गंभीर चोट आई थी। सुनील की रिपोर्ट पर कुसमुंडा पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। जी, मैं आ रहा था वहाँ अपने विकास नगर कुसमुंडा से पैसा निकाल के, अपने दोस्त के साथ में थे हम लोग, तीन दोस्त के साथ में थे, वहाँ से आ रहे थे। फिर हम लोग फाटक पार किए हैं, फिर भुट्टा चौक के पास हम लोग तीनों दोस्त आपस से मिल के बात कर रहे थे। उसी दौरान में दो लड़के आए हैं, जिसमें से एक का नाम था अरुण यादव, जो अपने हाथ में चूड़ा पहन के रखा था। वो कुछ उद्देश्य से आया था, जिस उद्देश्य से आया था, जिस हिसाब से वो मेरे पे आके हाथ छोड़ा है, ऐसा लग रहा था कि मेरे को उसको
कुछ बहुत सोच के ही आया था और मेरे पर लगातार हमला कर रहा था और उसी बीच में मेरे दोस्त लोग भी उसमें बीच बचाव किए हैं, जिसमें मेरा दोस्त था राजन मिंजवार, उसको उसी बीच बचाव में उसका दाहिने हाथ पे अपने दांत से काट के उसको जख्मी कर दिया। फिर उसके बाद मेरे और दोस्त आए, उसी बीच में वो अपना बीच से छुड़ा के भाग गया। कहाँ कहाँ पे चोट लगी आपको? मेरे सिर पे लगी है और ये मत्थे पे लगी है और मेरे सीने पे लगी है और मेरे दोस्त के बाएं हाथ पे काट के भाग गया वो। अभी आपने थाने में शिकायत की इसकी? थाने में शिकायत किए हैं, रिपोर्ट भी दर्ज कराए हैं, FIR करा चुके हैं। कई दिनों से शांत चल रहे नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बस्तर संभाग के नारायणपुर में नक्सलियों ने एक बार फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर समेत 6 वाहनों में आग लगा दी, जिससे दोनों ही गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। घटना के बाद से इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है, यहाँ आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं। सड़क निर्माण का कार्य रेंगा बेड़ा के पास बोरंड से करमरी तक चल रहा था। शनिवार की देर शाम एक दर्जन से अधिक हथियारबंद नक्सली पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में ट्रैक्टर ड्राइवर और हेल्परों को काम बंद करने का चेतावनी देते हुए वाहनों में आग लगा दी। वहां मौजूद लोगों को काम बंद करने की धमकी भी दी। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बस्तर सहयोगी विजय पचौरी के साथ। कई दिनों से शांत चल रहे नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रोड निर्माण में लगी 6 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है। नक्सलियों ने इस घटना को पहली बार इस इलाकों में अंजाम नहीं दिया है, इससे पहले भी कई गाड़ियों को नक्सलियों ने आग के हवाले किया है और कई ठेकेदारों की हत्या भी कर दी है। हम बता दें कि नक्सली कहीं ना कहीं ठेकेदारों से अवैध उगाही करने की कोशिश करते हैं और दहशत फैलाने की भी कोशिश करते हैं। नक्सलियों ने यह घटना को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश भी की है। इस घटना के बाद मजदूरों को चेतावनी दी है कि यदि यहां बिना इजाज़त के काम कराया जाएगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं इस इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। इसकी जानकारी लगते ही नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुँच कर जाँच कर रही है। विजय पचौरी, INN24, नारायणपुर। हरदी बाजार के साप्ताहिक बाजार में आए लोगों के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के एक पुराने मकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, वहीं बढ़ते आग को बुझाने की भी कवायद शुरू की गई। इस पूरे घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी थी वहां पुराने ऑयल और दूसरे ज्वलनशील सामान रखे हुए थे। यह मकान किसी गंगाराम डिक्सेना की बताई जा रही है। बहरहाल इस आगजनी में वहां रखे दूसरे सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। संयोग यह भी रहा कि इस आग की चपेट में आकर कोई हताहत नहीं हुआ। दमकल के लोगों ने घंटे भर के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग लग गए घर में, तो हवा से मतलब धुआं निकली तो हमारा पता हुई, तो ये पड़ोस के मल हम सब बताए। कैसे आग लग, इसकी जानकारी है? जानकारी नहीं हुई, धुआं निकली से तो पता चली। एक नजदीक में कितने आदमी रहे? पूरा बाजार वाला मन सब। कोरबा जिले के सुदूर गांव चिचौली की आंगनबाड़ी केंद्र में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो दिवस के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने नन्हे बच्चों के साथ पोलियो की दवा पिलाने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे हुए थे। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने बतौर मुख्य अतिथि शाला प्रबंधन समिति के प्रमुख राम प्यारे बिंजवार पहुंचे हुए थे। उन्होंने मासूम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि इस केंद्र में करीब 32 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। इसके साथ ही ड्रॉप पीने वाले बच्चों को बिस्किट और चॉकलेट भी दिया गया। अभी लगभग 32 बच्चे पी चुके हैं जी। और उन लोगों के लिए खाने के लिए क्या क्या उपयोग में रखे गए थे? खाने के लिए चॉकलेट वगैरह जी लाए थे जी। क्या सरपंच इसमें योगदान दिए थे?
हाँ देता है। ठीक है, सरपंच कहाँ का रहने वाले हैं? यही तिलई भाटा का है, चिचोली पंचायत से। जी, नाम क्या है? श्रीमती पार्वती चंद्रशेखर बिंजवाल। क्या वो अभी उपस्थित तो उद्घाटन में आए थे क्या? नहीं आ पाए थे, कुछ कारणवश बाहर थे, गांव में नहीं थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए, इसलिए मैं उद्घाटन किया हूँ। जी जी, राम प्यारे जी, मितानिन यहाँ कितने हैं? यहाँ मितानिन तिलई भाटा में दो है और कुल चिचोली पंचायत में 6 मितानिन है। मेरा पल्स राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में एज ए सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के रूप में अभी कार्य मेरे को दिया गया है कि कहाँ कितने जन बच्चों को दवा पिलाया गया है पल्स पोलियो का, ये सब क्या क्या वहाँ कमियां हैं या फिर क्या क्या अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं, इसी विषय में। इसमें आंगनबाड़ी सहायिका दीदी, मुखानी दीदी और ग्राम के सभी गणमान्य लोग बराबर सहयोग प्रदान किए हैं। विवादित राफेल विमान की खरीद का मामला अब बड़े महानगरों से निकलकर जिला मुख्यालयों में भी केंद्र सरकार के लिए विरोध का सबब बनता जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने टीपी नगर में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन के नेताओं ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाए बल्कि कथित तौर पर चोरी हुए राफेल की फाइल का भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर NSUI फिरोज खान ने PM पर रक्षा खरीद मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट में सरकार ने यह स्वीकार किया है कि राफेल विमान की खरीदी से जुड़ी फाइल चोरी हो गई है, लिहाजा इस स्वीकारोक्ति से यह साफ हो जाता है कि इस पूरे खरीद में उद्योगपति अंबानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गठजोड़ है। उन्होंने कहा कि जो चीजें मीडिया में आ रही हैं वह कांग्रेस शुरू से कह रही है कि इस खरीद में 59,000 करोड़ का घोटाला किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में NSUI के छात्र नेता और कार्यकर्ता अपने साथ एक खाली डब्बा भी लेकर पहुंचे थे जिस पर राफेल की फाइल लिखी हुई थी। क्योंकि अभी हमने मीडिया पे देखा, समाचार पे देखा कि केंद्र सरकार कोर्ट में जाकर कहती है कि राफेल डील की फाइल चोर हो गई है। हम कांग्रेस पार्टी शुरू से आरोप लगा रहे हैं, शुरू से हम बताना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा घोटाला किया गया है, 59,000 करोड़ रुपए घोटाला किया गया। उसके साथी जो अनिल अंबानी है उसको लाभ पहुंचाने के लिए राफेल डील को मोदी ने पलटा है। और जब कोर्ट में जब फाइल देने की बारी आई उन्होंने कहा कि फाइल चोरी हो गई है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि चौकीदार ही चोर है और इस चोरी से वो बच नहीं पाएगा। तो मोदी जी, आप दूसरे राजनीतिक पार्टियों पर, दूसरे लोगों पर, ईडी का, CBI का और किस किस के द्वारा आप छापा पड़वाते हो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। INN24। दुपट्टा कलेक्शन, नया शोरूम, नए अंदाज में नया कलेक्शन, नई उमंग के साथ आपकी सेवा में। कोरबा शहर का एकमात्र पाम मॉल में नए शोरूम में हो रहा है आपका बेसब्री से इंतजार। हमारे यहाँ नई वैरायटी, नया कलेक्शन, शरारा, गरारा, लहंगा चुन्नी, ड्रेप साड़ी, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, इवनिंग गाउन, फैंसी कुर्तियाँ, सूट पीस, वन पीस इत्यादि की विशाल रेंज किफायती दर पर उपलब्ध है। हमारा पता, फर्स्ट फ्लोर पाम मॉल कोरबा। मोबाइल नंबर 8109568426 और 7828633778। मुरली केक एंड बेक, आपका जाना पहचाना नाम। शुद्धता और स्वाद का अचूक मिश्रण, स्वाद ऐसा कि रिश्तों में भर दे मिठास। आपका विश्वास ही हमारी कामयाबी है। हमारे यहाँ बेकरी प्रोडक्ट का निर्माण एवं थोक व चिल्हर विक्रय किया जाता है। ड्राई केक, कप केक, पेस्ट्री, बर्गर बेस, पिज्जा, बिस्किट, कुकीज, मिल्क ब्रेड, बटर ब्रेड, फ्रूट केक, आलू पेटीज, पनीर पेटीज, टोस्ट। बर्थडे हो या शादी की सालगिरह, आपके कार्यक्रमों में चार चांद लगाए
ऑर्डर पर अपनी पसंदीदा फ्रेश क्रीम केक किसी भी डिजाइन एवं साइज में उपलब्ध है। हमारा पता है बिलासपुर रोड गोपाल पेट्रोल पंप के आगे कटघोरा। मोबाइल नंबर 8462825855। कोरबा के लोगों का खान पान से एक अलग ही रिश्ता है। वो जानते हैं कि खाने में क्या खाना है और खाने के बाद क्या खाना है, इसलिए तो हैव मोर लेकर आया है आपके शहर के जायके को पूरी तरह से बदलने ताजे इंग्रेडिएंट से बने फ्रेश आइसक्रीम। जी हाँ, अब शहर के पहले शॉपिंग मॉल फार्म मॉल में देश के सबसे बेहतरीन आइसक्रीम निर्माता हैव मोर की आइसक्रीम की अलग अलग वैरायटी, जहाँ आप ले सकेंगे लाइफ आइसक्रीम का मजा। इसके अलावा आइसक्रीम स्कूप, हॉच पॉच, आइसक्रीम केक्स, मिल्क शेक और रेट्रो कोल्ड कॉफी और इसके अलावा बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही पूरे परिवार के साथ उठाइए आइसक्रीम के अलग ही दुनिया का मजा। हैव मोर आइसक्रीम, पॉम मॉल, शॉप नंबर 240, सेकंड फ्लोर, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, क्योंकि कोरबा जानता है खाने के बाद क्या खाना है। आपका जाना पहचाना नाम लिबास बुटीक, एक्सक्लूसिव ड्रेस मटेरियल, इंडो वेस्टर्न वियर, वन पीस, डिजाइनर दुपट्टा, स्कर्ट टॉप, कुर्तीज, लेडीज वेयर एवं गर्ल्स वेयर की संपूर्ण श्रृंखला। पंजाब का पटियाला हो या जयपुरी लहंगा चोली, गुजरात की घाघरा चोली हो या आसाम की मशहूर मेखला सादुर अनारकली सूट, इन सब की भरपूर रेंज। अभी खरीदी करने पर पाएं 20% की भारी छूट एवं 5000 की खरीदी पर 500 का कूपन मुफ्त, और पाएं फेस्टिवल एवं शादी की खरीदी पर विशेष छूट। हमारा पता लिबास बुटीक, एसएस प्लाजा, कोरबा। मोबाइल नंबर 9755347222।